हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज बात करने वाले हैं जेरुधा के चार्जेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और फाइनेंस रिलेटेड, शेयर बाजार रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि इस वीडियो पे आप आगे तक बने रहें, क्योंकि मैं इसमें जेरुधा के बारे में वो हर एक चीज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, हिडन चार्ज लेकर हर चीज दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ चार्जेस के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री गेटवे डिलीवरी। डिलीवरी वो होता है जो कि आप एक दिन से ज्यादा रखते हैं, आप उसमें ब्रोकरेज नहीं देना है और ब्रोकरेज नहीं लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो ब्रोकरेज। इंट्राडे एंड एफएनओ। एफएनओ क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। जब ट्रेड करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ये चार्ज 20 रुपए या उससे कम लगते हैं। जीरो लगेगा आपको म्यूचुअल फंड पे, जीरो, ओनली जीरो, कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे कोई भी डीपी चार्ज, कोई भी मतलब पैसा नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड पे आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जेरुधा एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत भरोसेमंद कंपनी जेरुधा को इंडिया में माना जा रहा है, बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी और ये करेंसी और ये कमोडिटी। ठीक है, आज मैं बात करने वाले हैं इक्विटी के बारे में। ठीक है, इक्विटी मतलब आप जो सिंपल सब ट्रेडिंग करोगे, इंट्राडे डिलीवरी इक्विटी पे करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ। करेंसी वो होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, करेंसी ये हो जाता है, और कमोडिटी हो जाता है जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट पे ट्रेडिंग होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज इक्विटी पे बात करने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं। जेरुधा चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शन। फ्रेंड्स, मैं आपको ये दोनों को बताऊंगा, आप ये दोनों खुद ही देख लेना। ठीक है, क्योंकि सेम है। ठीक है, जो मैं ये बताऊंगा वो सेम है, आप इस पे पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता सबको बताकर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ब्रोकरेज के बारे में बात कर ले तो जीरो ब्रोकरेज होता है। ब्रोक कर ले तो जीरो ब्रोकरेज होता है इक्विटी डिलीवरी पे। ठीक है, जब आप डिलीवरी लेते हो मतलब एक दिन से ज्यादा, अगर अपने खरीदने के बाद एक दिन से ज्यादा रखते हो तो वहां ब्रोकरेज नहीं लगता है। लेकिन इंटरडे में बात कर ले मतलब आज ही खरीदे और आज ही सेल कर दिए तो इसमें आपको 20 रुपया लगेगा। अगर ज्यादा आपने किया, मान लीजिए जब 1 लाख का किया तो 20 लाख रुपये, मतलब 20 रुपया लगेंगे। ठीक है, और यहाँ सबसे कम ये, अगर मान लीजिए आप 100 रुपया का ट्रेडिंग किए तो आपको 20 रुपया नहीं लगेगा, आपको इसके हिसाब से लगेगा 0.03%। ठीक है, व्हिच ए फर इच लोअर। ठीक है, जो सबसे लोअर रहेगा उसी का लगेगा। एसटीटी के चार्ज कर दे मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन की चार्ज बता दे आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.1% लगेगा बाय और सेल दोनों पे। तो बहुत ही कम है फ्रेंड्स, बहुत ही कम है। यहाँ पे डिलीवरी में और इंटरडे में देख लीजिए आप, 0.025% ओनली सेल साइड, ओनली सेल साइड आप इसमें देख सकते हैं। इंटरडे में ओनली सेल साइड लगता है। आप सेम इसमें देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन चार्ज के बारे में बात कर ले मतलब ट्रांजेक्शन जो आप करोगे एनएससी और बीएससी पे, तो 0.00345% जो कि बहुत ही कम है, और हर एक ब्रोकरेज पे इतना ही चार्ज लगभग इस पे एनएससी और बीएससी का चार्ज लगता है। बाकी दोनों आप देख सकते हैं। जीएसटी देख सकते हैं 18% ब्रोकरेज के साथ जीएसटी लगेगा। ठीक है, जो आप जीएसटी पे करोगे ना 18% ब्रोकरेज के साथ लगेगा, जो कि सब में सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और सेबी के चार्ज यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका 10 करोड़ प्रति है ना, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, कोई ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, 10 करोड़ पे कुछ चार्ज लगता है। ठीक है, स्टाम्प चार्ज के बारे में बात कर ले 0.015% या 1500 प्रति करोड़ पे चार्ज लगेगा ओनली बाय साइड पे। ये जो कि आपका डिलीवरी है और ये जो है आपका, ये जो है इंटरडे है, इंटरडे में बाय पे लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे देख सकते हैं एसटीटी चार्ज ये सब क्या है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, क्या है, आप आई होप आप समझ सकते हो, पर इतना तो समझ ही सकते हो आई होप। ठीक है, जीएसटी देख सकते हैं, सेबी चार्ज देख सकते हैं, क्या है। आप डीपी चार्ज में आपको बता दूं, जो आप डिलीवरी पे सेल करोगे, ठीक है, मतलब कि आज जो आपने खरीदा और कल जो बेचोगे तो बस एक ही बार लगेगा 13.5 प्लस जीएसटी, मतलब 16 रुपए के आसपास आपका डीपी चार्ज यहाँ पे लग जाने वाला। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं एमसी चार्ज, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, एमसी चार्ज जो कि आपको लगेगा 300 रुपया पर साल लगेगा। ठीक है, 300 रुपया पर ईयर लगेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं विद जीएसटी। ओके, ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन करोगे अगर आप, ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन मतलब मार्केट बंद है फिर भी आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, कुछ बाय सेल करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये लगने वाला 25 रुपया या सबसे कम जो है 0.3%। ठीक है, और फिजिकल अगर कुछ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी ट्रांजेक्शन का कुछ भी अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप सीएमआर रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे इतना चार्ज लगने वाला है प्लस कुरियर 100। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो गेटवे चार्ज, जब आप पेमेंट फंड ऐड करोगे या विड्रॉ करोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको दिख जाएगा ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो होता है फ्रेंड्स एनआरआई ब्रोकरेज चार्ज। एनआरआई चार्ज हम लोग के लिए नहीं होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, जो इंडिया का रेसिडेंस नहीं है उसके लिए होता है, तो ये आप छोड़ दीजिए। ठीक है, स्टाम्प चार्ज फ्रेंड्स वो होता है जो कि एक गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, जो कि आप स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चार्ज लगेगा।
क्या होता है फ्रेंड्स, एडिशनल चार्ज जो कि 50 रुपए पर डॉलर लगता है, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। 50 रुपए पर लगता है कॉल इन ट्रेड, मतलब क्या होता है, बाय चांस आपने इंट्राडे किया और सेलिंग करना भूल गए, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, खुद भी खुद उससे हो जाएगा, ठीक है, खुद से हो जाएगा और आपका 50 रुपए चार्ज लग जाएगा प्रत्येक सेल पे। ये बात आपको याद रखना है, कॉल इन ट्रेड से आपको बचना है, ठीक है, कॉल इन ट्रेड से बचना है। यहाँ पे देखिए, चार्ज फॉर अकाउंट ओपनिंग, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन जो अकाउंट आप ओपन कराते हो 200 रुपए लगने वाले हैं, और अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हो मतलब साथ में होता है फ्रेंड्स, ठीक है, 200 रुपए अगर आप 300 पे करोगे तो दोनों अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं कहूंगा अगर आप बिजनेस है तो आप दोनों कराइए, क्योंकि कभी ना कभी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन तो आएंगे ही, ठीक है, इससे अच्छा है कि आप दोनों एक ही साथ ओपन करा लीजिए, ठीक है, अच्छा रहता है, ठीक है। ऑफलाइन अकाउंट करवा के ओपन है 400, इसमें 600 लगता है, ठीक है। तो आज तो ऑनलाइन ही चल रहा है, हर कोई डिजिटल ही खुलवा रहा है, तो यहाँ पे 200 से बेटर है 100 और ज्यादा लगाइए, 300 रुपए लगाकर यहाँ पे ये चार्ज लगा सकते हैं, जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, करेंसी पे, कम्युनिटी पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ज्यादा काफी बेहद यहाँ पे बेहद फायदामंद आपको ये रहेगा, ठीक है। अगर अगर आप बिजनेस है तो भी आपको कराना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आप सीख जाओगे, ठीक है, फ्यूचर में आप सीख जाओगे। बाकी ये चार्ज हम लोग के लिए नहीं है, NRI सब चार्ज हम लोग के लिए नहीं है, आप देख सकते हैं इंडियन के लिए नहीं है। यहाँ पे आप बाकी ये सब चार्ज जो कि हर हर किसी के लिए नहीं होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक बने के बहुत बहुत धन्यवाद।